मिनट में चले गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार प्लेटफॉर्म पर। हाउ आर यू गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के? सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे भाई, और सभी लोग जो हैं फटाफट से तैयार रहें क्योंकि आज बहुत ही शानदार सेशन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। सभी को वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है? सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बताते कि यस सर, वॉइस वगैरह जो है एकदम क्लियर है, बढ़िया है, मजेदार है। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग आ जाओ, सभी लोग धमाकेदार तरीके से करते हैं शुरुआत सिलोज्म टॉपिक की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सिलोज्म न्याय वाक्य हमेशा से एग्जाम में आता रहा है और आता रहेगा। जब तक ये सूरज छान रहेगा, जब तक ये गवर्नमेंट एग्जाम का दौर रहेगा, तब तक ये सिलोज्म का जो टॉपिक है वो आता रहेगा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए आ जाओ भाई, सभी लोग शेयर कर दो, जल्दी से एक बार शेयर कर दो, फटाफट से शेयर कर दो, ताकि फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अपने प्यारे से इस टॉपिक को लेकर। और कल बहुत ही बेहतरीन क्लास हुई, बेसिक क्लास को हमने बहुत शानदार तरीके से सीखा, लेकिन आज की क्लास और भी जबरदस्त, और भी शानदार, और भी बेहतरीन रहने वाली है गाइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सिलोज्म पार्ट टू। वैसे हम पढ़ रहे हैं, और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एक बेहतरीन बैच की शुरुआत हो चुकी है, रीजनिंग का ए टू जेड कंप्लीट फाउंडेशन बैच, एक साल की वैलिडिटी के साथ आपको रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पर मिल रहा है, 400 मॉक टेस्ट के साथ में। इसे आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। जी हां, D30 कोड का जब आप प्रयोग करेंगे, D30 एक साथ लिखेंगे D30, तो 30% का इस बैच पर आपको ऑफ मिलेगा, और लगभग 700 रुपए में आपको यह बैच एक साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। यानी आज आप बैच को ज्वाइन करेंगे तो पूरे एक साल के लिए यह बैच आपके पास वैलिड रहेगा, और इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग चालू होने वाली है। ठीक है, जो आपको सबसे कम आती है, यह आप सभी को पता है। ठीक है, तो भैया इस ए टू जेड रीजनिंग फाउंडेशन बैच में अब लॉजिकल रीजनिंग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसको भी लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है तो आज ही बैच को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि धमाकेदार लॉजिकल रीजनिंग की शुरुआत अपनी हो जाएगी इसमें। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आपको पता है कि ए टू जेड कंप्लीट मैथ फाउंडेशन बैच भी अपना चल रहा है रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पर, 400 फुल मॉक टेस्ट के साथ आपको यह बैच मिल रहा है, 1 ईयर की वैलिडिटी, कोड है D30। और अगर आप दोनों कॉम्बो बैच लेते हो, मैथ प्लस रीजनिंग का कंप्लीट रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पर, तो दोस्तों आपको मात्र 1330 रुपए में यह बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स, आपको क्या करना है यह आपको देखना है, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों आपके हाथ में है। हम गाइड कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि आपको यह करना है और क्या नहीं करना है। जितना जानना यह जरूरी है कि क्या करना है, उससे कहीं ज्यादा यह जानना भी जरूरी है कि क्या नहीं करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों ने इवेंट देख लिया होगा, 22 तारीख को हम लोग जो है सभी फैकल्टीज के साथ में दोस्तों जो है धमाकेदार धूम मचाने वाले हैं। इस बार बेड़ा ऐसा पार करेंगे दोस्तों, रेलवे का सफाया कर देंगे यूं समझ लो। अभी भी हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन अपने ही हैं, और आगे भी अब आजीवन अपने ही रहें, उसके लिए मेहनत तो आज से ही करनी पड़ेगी ना। जितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है, उससे कहीं ज़्यादा टीचर को भी करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मैथ रीजनिंग तक आप लोग सीमित रहें, मैथ रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस सब चालू होने वाली है। ठीक है, लॉन्च करेंगे 22 तारीख को बहुत ही शानदार फैकल्टीज के साथ में, तो सभी लोग जुड़े रहिएगा। जीडी की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही होगी धमाकेदार, मैं तो कह रहा हूँ सीधा वेबसाइट पर जाओ, आप कहीं मत जाओ, www.reasoninglife.com वेबसाइट पर 1 रुपए में मात्र आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है, 400 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, जाके लगा लो भाई साहब और कर लो सिलेक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है इसमें। इसके अलावा CGL टायर 2, जी हाँ, CGL मेंस की अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो बढ़िया मौका आपके पास में है मेरे भाई। ठीक है, 114 टेस्ट आप लोगों के लिए बना दिए गए हैं, और भी टेस्ट इसमें डाल देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके पास 99 रुपीज़ में CGL की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, CHSL की 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, इसके अलावा 300 टेस्ट ALP RPF की अवेलेबल है। इसमें अभी 20 टॉप टेस्ट तो डाल दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस तो चालू कर दें, बाकी ये टेस्ट की संख्या बढ़ जाएगी एक बार पेपर डिक्लेयर हो जाए, जो है नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए, फिर इसमें और चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है, 2000 टेस्ट 199 रुपए में आपको मिल रहे हैं, बढ़िया मौका आपके पास में है। ठीक है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और चलते हैं दोस्तों, यूज कोड D30 एंड गेट 30% डिस्काउंट।
ऐप है अपनी, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर, वही अपनी ऐप का नाम है भाई, रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर। ठीक है, क्लियर है। ये अपना टेलीकॉलिंग नंबर है, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता है 9602514332 पर यदि समस्या हो तो ही कॉल कर, बिना समस्या के कोई कॉल ना कर। ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए, ये अपनी वेबसाइट का पोर्टल reasoninglife.com, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर एंड रीजनिंग लाइफ शॉर्ट्स। इसके अलावा टेलीग्राम रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर चैनल है, ठीक है, जिसका लिंक है t.me/reasoninglifebydeepaksarchannel। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो कल हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिए थे, कौन कौन सी लाइनें हमें देता है, ऑल का कंसेप्ट भी हमने सीख लिया था। आज जो हम लोग इस पार्ट के अंदर सीखने वाले कंसेप्ट ऑफ सम, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सम, सम अर्थात कुछ। तो कुछ का कंसेप्ट दोस्तों आप सीखेंगे। देखिए बिल्कुल बेसिक से मैं अभी इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि दोस्तों कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें पढ़ने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है, और मैं नहीं चाहता, वास्तव में नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का डाउट एटलीस्ट रह गया। डाउट रह गया तो जीवन वैसे ही सही नहीं है फिर। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सभी बच्चे थम्सअप कर देंगे एक बार। चलो भाई, तो कौन बताएगा भाई कंसेप्ट ऑफ ऑल किसको आता है? कंसेप्ट ऑफ ऑल कौन बताने वाला है ये बता दो। कंसेप्ट ऑफ ऑल किसको आता है भैया? देखिए दोस्तों, अगर सिंपल सी लाइन अगर ऐसी लिखी है, सम ए आर बी, है ना, क्या लिखा है, सम ए आर बी, क्या लिखा है, कुछ ए बी है ना, सम ए आर बी, क्या लिखा है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। तो भैया अभी इधर यहां पर ध्यान से देख लेना, इस जगह चीजों को देख लेना। इसका सिंपल सा डायग्राम आप ऐसे बनाते हो, जनरल डायग्राम तो ऐसे ही बनाते हो भाई, कुछ ए बी है, है ना। पर अगर आपको दोस्तों सम की जगह लिखकर दे दिया, ठीक है, सम की जगह लिखकर देगा फ्यू, अ फ्यू, सेल्डम, ये इंग्लिश के वर्ड हैं, रेयरली, रेयरली, ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, 25%, 10%, 99%, कल समझाया था ना, 99.99%, है ना, फ्यू, अ फ्यू, सेल्डम, रेयरली, मिनिमम, मैक्सिमम, 25%, 99%, 99.99%, ये जितने भी वर्ड्स आते हैं ना, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे के सारे सम को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा ए बी है। कभी कभी ऐसे लिखा होगा, थोड़ा ए बी है, कभी कभार, कभी कभार ए बी है, ठीक है, और रेयरली के बाद मिनिमम, न्यूनतम ए बी है, न्यूनतम ए बी है, ठीक है, अधिकतम ए बी है, ठीक है, अधिकांश ए बी है, अधिकांश, ये जो वर्ड्स आते हैं ना हिंदी के, अधिकांश ए बी है, ठीक है, ये सब किस में इंक्लूड होंगे भाई साहब, सम, इन सब को सम में इंक्लूड किया जाएगा मित्रों, कुछ में इंक्लूड किया जाएगा। बात समझ में आ गई क्या आपको? बात समझ में आ गई सभी लोग? बता दूं, थोड़ा ए बी है, कभी कभार ए बी है,
न्यूनतम ए बी है, अधिकतम ए बी है, इंग्लिश में भी आ सकते हैं मोर, ठीक है मच, ये वर्ड्स आ जाएं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इन सब के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, सम में इंक्लूड करेंगे। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रख लेना, उस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। आज के समय पे पैटर्न चेंज हो गए हैं, एग्जामिनर कुछ तो नया देगा ना, चीजें तो वही हैं यार, आखिर जब बच्चे को पता है कि ये चीजें आती हैं तो उसी में उलझा देगा बस वो। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों को ये सारी चीजें पता रहे, ठीक। सभी लोग थम्सअप कर देंगे यार, दोस्तों इसको शेयर नहीं करते हो मजा नहीं आता फिर यार, और आप लोगों का रेस्पॉन्स भी फिर इस तरीके का आता है ना, ये डीले डाले, मजा नहीं आता फिर। सभी लोग दिल से लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, फटाफट से एक बार शेयर कर दो, ठीक है। बात समझ में आ गई, फ्यू अ फ्यू सेल्डम रेयरली मिनिमम मैक्सिमम 25% 99% 99.99% मोर मच थोड़ा कभी कभार न्यूनतम अधिकतम अधिकांश, सबको सम में इंक्लूड करेंगे, सबको सम में इंक्लूड करेंगे, जी हाँ कुछ में इंक्लूड करेंगे, ठीक। अब यहां पर देखना, इधर ऑल हो गया, सम हो गया, अब कंसेप्ट ऑफ ओनली देख लो, कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ ओनली देखो, ओनली का कंसेप्ट अलग चलता है, ध्यान रख लेना। कंसेप्ट ऑफ ओनली, हिंदी में अपन इसको केवल बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ ओनली यानी कि केवल का कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ ओनली केवल का कंसेप्ट। पर भैया यहां पर आंखें खोल के एक बार और देख लें, जी हाँ। अब बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं आजकल, थोड़ी सी नई चीजें क्या आ गई, एक दो चीजें नई आ गई उसी में परेशान हो जाते हैं यार। कंसेप्ट ऑफ ओनली अलग होता है और कंसेप्ट ऑफ ओनली अ फ्यू अलग होता है, कंसेप्ट ऑफ ओनली अलग होता है और कंसेप्ट ऑफ ओनली अ फ्यू है ना, ओनली अ फ्यू केवल कुछ, केवल का कंसेप्ट अलग होता है मित्रों, और केवल कुछ का कंसेप्ट जो होता है ना ये भैया अलग होता है। कंसेप्ट ऑफ ओनली और कंसेप्ट ऑफ ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट देख लो, चलिए देखिएगा इधर, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ ओनली देखना, कंसेप्ट ऑफ ओनली लाइन इस प्रकार से आती है, जैसे लिखा होगा ओनली ए आर बी, ठीक है, क्या लिखा होगा ओनली ए आर बी, यानी लिखा हुआ होगा केवल, केवल ए बी है, ध्यान से देखना मित्रों क्या लिखा है, ओनली ए आर बी डेट मीन्स केवल ए बी है, तो इसका मतलब क्या होगा, ओनली ए आर बी डेट मीन्स, डेट मीन्स ये देखना है, इधर इधर देखना भैया, इसमें क्या होता है कि जो पीछे वाली चीज है ना वो पूरी की पूरी आंतरिक रूप से आगे वाले के अंतर्गत आ जाती है, ओनली के कंसेप्ट में, केवल ए बी है इसका मतलब क्या होगा पता है, इसका मतलब होगा डेट मीन्स ऑल बी आर ए, जी हां एकमात्र ऐसा कंसेप्ट जिसमें बात पीछे वाले की होती है, केवल ए बी है अर्थात, केवल ए बी है अर्थात, अर्थात क्या होगा, सभी बी ए हैं, क्या होगा सभी भी ए हैं, जी हां। आप इसका डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे ध्यान से देखो, इस प्रकार से सभी बी ए हैं, ये कंसेप्ट है किसका, ओनली ए आर बी का, केवल ए बी हैं अर्थात सभी बी ए हैं, पीछे वाला भाग पूरी तरीके से आंतरिक रूप से अंतर्गत आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई गाइस। अब यहां पर देखिएगा मुझे इस लाइन का आप लोग मुझे मतलब बताएंगे कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसका मुझे एग्जांपल बताइएगा कि क्या बनेगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूं, उदाहरण के तौर पर, ठीक है, ओनली बैंक आर कैश, ओनली बैंक आर कैश,
बताओ, केवल बैंक कैशिंग, ऐसे लिखा हुआ होगा, केवल बैंक कैश हैं, ओनली बैंक आर कैश, 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 केवल बैंक कैश हैं। तो क्या बनेगा इसका, इसका डायग्राम कैसा बनेगा कि ये जो कैश है वो किसके अंदर आ जाएगा, बैंक के अंदर आ जाएगा। कैश पीछे वाली आकृति पूरी तरीके से आगे वाले के अंतर्गत चली जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, सभी लोग दिल से लाइक कर देंगे कि यस सर बात समझ में आ गई। लेकिन अब दोस्तों चालू करते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो कि इस प्रकार है, देखिएगा इधर, कंसेप्ट ऑफ ओनली अ फ्यू। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ओनली अ फ्यू, केवल कुछ का कंसेप्ट, ऐसे लिखी भी होगी लाइन, लाइन इसी ऐसे लिखी भी होगी, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ, ध्यान से देख लेना भाई, केवल नहीं है, केवल के साथ लिखा हुआ एक वर्ड कुछ, केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ए बी हैं। ठीक है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब हो गया डेट मींस, डेट मींस याद कर लेना, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, ध्यान से देख लेना, केवल कुछ ए बी हैं, अर्थात केवल कुछ ए बी हैं, अर्थात कुछ ए ऐसे हैं, कुछ ए बी नहीं हैं, कुछ ए बी नहीं हैं। Only a few A R B, that means some A R not B. केवल कुछ A B हैं, इसका मतलब होगा कि कुछ A ऐसे हैं जो B नहीं हैं, कुछ A ऐसे हैं जो B नहीं हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, इसका डायग्राम देखो ध्यान से देखना कैसे बनेगा, ये A, ये B, और भैया उसने साफ साफ कह दिया, सॉरी केवल कुछ ए बी हैं बोला है ना उसने, उसने बोला है केवल कुछ ए बी हैं, तो ठीक है कुछ ए बी हैं ये तो बना दिया हमने, कुछ ए बी हैं ये तो हमने बना दिया, पर भैया इसमें साथ ही साथ एक चीज और निकल कर आई, क्या निकल कर आई कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं हैं, कुछ ए ऐसे निकल के आए हैं जो बी नहीं हैं, केवल कुछ ए बी हैं, अर्थात ए का कुछ पोर्शन तो बी है परंतु भैया इसमें कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं है। बात आई क्या समझ में, बात आपके समझ में आ गई क्या, जल्दी बताओ सभी लोग, फटाफट से थम्स अप करके बताएंगे भाई, सभी लोग बताइए कि यस सर बात समझ में आ गई। आप लोगों को लाइक और शेयर करने में भी अगर आपत्ति है ना भाई, तो फिर यार ख़त्म करते हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं अपना समय बल्कि उन बच्चों को दे देता हूँ जिनको वास्तव में मेरी ज़रूरत है। CHSL वाले बेचारे एक महीने से कह रहे हैं कि सर क्लास चला दो, CGL मेंस की तैयारी करने वाले कह रहे हैं कि सर क्लास चला दो, उनके लिए चालू कर देते हैं फिर क्लास, क्यों भाई अमित सर, हाँ भाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, फिर कहीं को जबरदस्ती को 22 तारीख को इतनी सारी फैकल्टियाँ आप लोगों के लिए स्पेशली रेलवे वालों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, हाँ साइंस वाला लेके आ रहा हूँ, मेरी टेंशन छोड़ देना आप, मैं आपको बताऊँ क्लियरली, ठीक है, भगवान की दया से बैकबोन बहुत स्ट्रांग है अपनी, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ और बार बार एक ही चीज़ में बोलता हूँ, ठीक है,
मेरे पास तो 50 ऑफर है, मैं कहीं भी जाके कुछ पढ़ा लूंगा ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं शांति से बैठ जाऊंगा। मैं ये सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को बनाने के पीछे का मेन मकसद ही ये है कि भैया सोच ये रखा है कि सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करनी है जीवन में, ठीक है? बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो मैंने आप लोगों से बस इतना सा ही, मैंने आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार शेयर कर दिया करो ताकि रेस्पॉन्स मिलता रहे, मज़ा आता रहे। जब तक तो मज़ा नहीं आता ना, फिर ऐसा लगता है कि यार क्या मतलब है यार उनको दोना यार समय यार जिनको वास्तव में ज़रूरत है, हैं? क्लियर है? आप लोगों के लिए काम करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों के लिए काम नहीं हो रहा है। उनको बेचारों को ज़रूरत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं होती, दो वक्त की छत नहीं होती, ठीक है? क्लियर है? तो उन लोगों के लिए कुछ काम कर लूंगा यार। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए देखिएगा इधर, दुनिया का तो काम है भाई बोलना। तुम कुछ अच्छा करोगे तो भी बोलेगी, तुम कुछ अच्छा नहीं करोगे तो भी बोलेगी, ठीक है? अपने आप को बस देखना कि अपने आप को जब आप आईने में देखो ना, तब कॉन्फिडेंस महसूस होना चाहिए, सुकून महसूस होना चाहिए। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हो, कोई नहीं चाहता। आपके जो सगे संबंधी हैं ना, शायद वो भी ना चाहते हों इतना। सिर्फ आपके माता पिता और आपके घर में परिवार में रहने, सगे संबंधी से मतलब है बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, चाचा मामा ताऊ फाऊ और इनके, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन फिर भी जब सूरज को आना होता है ना, तो वो अंधेरों को चीर के आता है, अंधेरा रोक नहीं पाता है सूरज को आने से। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ध्यान रख लेना ये चीज़ हमेशा जीवन। चलिए इधर देखिए, ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट ध्यान से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। ओनली अ फ्यू ए आर बी, डेट मीन्स सम ए आर नॉट बी, केवल कुछ ए बी हैं, अर्थात कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं हैं, ठीक है? कुछ ए बी हैं, केवल लगा हुआ है यहां पर, ध्यान दे लेना यहां पर। यहां पर क्या लिखा है, तो ज्यादा आप लोग परेशान ना होइएगा, दोनों चीजों को ध्यान से देख लेना। ओनली के आगे यहां कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ केवल लिखा हुआ है, केवल ए बी हैं, तो पीछे वाली चीज पूरी तरीके से आंतरिक रूप से अंतर्गत आएगी। परंतु यहां पर केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ए बी हैं का मतलब ये है कि कुछ ए तो बी हैं, पर भाई साहब कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है? सभी लोग फटाफट से थम्स अप कर देंगे एकदम जोश और जुनून के साथ में कि यस सर क्लियर हो गई। चलते हैं नेक्स्ट अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि अगर आपके वाक्य में, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके वाक्य में ये वर्ड आ जाए, अगर आपके वाक्य में निश्चित रूप से एक वर्ड आ जाए, निश्चित रूप से, कहां से, निश्चित रूप से ये वर्ड आ जाए, ठीक है? या फिर वर्ड आ जाए कम से कम, ये वर्ड आएंगे आपके एग्जाम में, जरूर आएंगे, डेफिनेटली, ठीक है? अगर आपके वाक्य में निश्चित रूप से और कम से कम ये वर्ड आ जाए, ये शब्द आने पर इन शब्दों को हटाकर प्रश्न को सोल्व करेंगे, इन शब्दों को हटाकर, ठीक है? याद रखिएगा, इन शब्दों को हटाकर, इन शब्दों को हटाकर प्रश्न हल करेंगे, इन शब्दों को हटाकर प्रश्न हल करेंगे। जैसे लाइन इस प्रकार आएगी, कम से कम कुछ ए बी हैं, तो भैया ये कम से कम वर्ड जो है ना, कम से कम, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों एटलीस्ट, क्या बोलते हैं, एटलीस्ट, और निश्चित रूप से को बोलते हैं डेफिनेटली। एक मिनट, डेफिनेटली, ठीक है? एटलीस्ट, ठीक है? एटलीस्ट,
कम से कम यानी कि एटलीस्ट वर्ड और डेफिनेटली निश्चित रूप से, ये जो दो वर्ड अगर आपके आ जाएंगे तो इनको आप हटा कर ध्यान रखिएगा, इनको रिमूव कर देंगे और उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। इनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव दीज वर्ड फ्रॉम सेंटेंसेस, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर देखना दोस्तों, यहां पर एक चीज ध्यान से और अच्छे से समझ लेना भैया, एक बार यहां पर आप चीजें देखना, जैसे वाक्य इस प्रकार से आएगा एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, फटाफट से देखिएगा इधर। मान लीजिए सेंटेंस स्टेटमेंट आपको ऐसे दे रखा है, स्टेटमेंट यानी कि कथन जो दिया हुआ है ना वो आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, देखना भैया कथन दे रखा है आपको, ऑल ए आर बी, दूसरा दे रखा है एटलीस्ट सम बी आर सी, ठीक है, सभी ए बी हैं और यहां दिया हुआ होगा कम से कम कुछ बी सी हैं, कम से कम कुछ बी सी हैं, ठीक है। अब यहां पे कंक्लूजन देखो किस प्रकार से दे रखा है, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, निष्कर्ष आपको किस प्रकार से दिया जा रहा है इसको देखिएगा आप। निष्कर्ष के अंदर मान लीजिए पहला वाला दे दिया आपको सम ए आर डेफिनेटली, सम ए आर डेफिनेटली बी, ठीक है, कुछ ए निश्चित रूप से, कुछ ए निश्चित रूप से बी है, ठीक है, और दूसरा है एटलीस्ट सम ए आर सी, कम से कम कुछ ए सी है, कम से कम कुछ ए सी है। चलो भैया देखना इधर बनाते हैं इसको, देखिए पढ़ाई पे फोकस करिए दोस्तों, है ना, फालतू की बातें ना करें, पूरा फोकस पढ़ाई पर रखें, जल्दी से बनाएं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया मित्रों कि ये जो वर्ड्स आ जाए ना आपके तो इनको आप नेगलेक्ट कर देना, एटलीस्ट वर्ड को हटा दें, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है ना तो उसके बाद क्वेश्चन करने का आनंद ही कुछ और है, उसके बाद आप बड़े से बड़े और कितने भी डेंजर क्वेश्चन में एंटर कर जाओ, बेसिक कंसेप्ट का खेल है सारा। तो मैंने आपको क्या समझाया, अभी कम से कम वर्ड आ जाए यानी एटलीस्ट वर्ड आ जाए आपके क्वेश्चन में, ये जो डेफिनेटली वर्ड दे रखा है इसको रिमूव कर दो, एटलीस्ट वर्ड आ जाए इसको रिमूव कर दो, और उसके बाद प्रश्न को पढ़ो और हल करो, प्रश्न बड़ा ही आसान हो जाएगा, ठीक है। इनको आप रिमूव कर दिए, ये देखिए कम से कम डेफिनेटली निश्चित रूप से, ये वर्ड हटा दी, देखिए अब पढ़िए आप आराम से, कितना आसान हो जाएगा, सिंपल। ऑल ए आर बी डायग्राम बनाएंगे, ऑल ए आर बी का डायग्राम बनाया, दूसरा क्या दे रखा था एटलीस्ट को हटा दिया, क्या बचा सम बी आर सी, कुछ बी सी है। अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य हैं पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्यों से संबंधित डायग्राम एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ था, सम ए आर डेफिनेटली बी, क्या लिखा हुआ है सम ए आर डेफिनेटली बी, कुछ ए निश्चित रूप से बी है, निश्चित रूप वाले को हटा दिया, क्या बना सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, क्या ए बी हैं क्या, जी हाँ, ए और बी एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे में कॉमन है, ठीक है, तो बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल सही है, सम ए आर बी। फिर नेक्स्ट वाले को एटलीस्ट वर्ड तो हटा दिया, बचा क्या सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं, क्या इस डायग्राम में ए सी है, क्या इस डायग्राम में ए सी है, क्या नहीं है, एक भी गलत तो गलत। और एक रूल आप डायरेक्टली भी याद कर सकते थे कि अगर आपको कथन में सारे वाक्य सकारात्मक दे रखे हैं, पॉजिटिव दे रखे हैं, तो उससे संबंधित अगर आपको कंक्लूजन में नेगेटिव वाक्य दे रखा है ना, बिना पॉसिबिलिटी वाला, बिना संभावना वाला अगर नेगेटिव वाक्य दे रखा है, तो उसको आप डायरेक्टली भी रॉन्ग कर सकते थे,
तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका बनेगा सिंपल सा क्या बना, फर्स्ट फॉलो। क्या बनेगा भाई साहब? फर्स्ट फॉलो। ठीक है, क्लियर है? इसका आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट फॉलो। तो दोस्तों कल मैंने दो रूल सिखाए थे, ये आपको मैंने आज सिखा दिया रूल नंबर थ्री। ठीक है, ये रूल नंबर थ्री हो गया कि अगर वाक्य में क्या आ जाए निश्चित रूप से कम वर्ड आ जाए तो इनको आप लोग हटा देंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न को हल करें। ठीक है, अब रूल नंबर थ्री हो गया, रूल नंबर फोर भी लिख लो हैंड टू हैंड जो अभी मैंने आपको सिखाया। रूल नंबर फोर मैंने आपको क्या बोला कि यदि सेंटेंसेस के अंदर यदि कथन सभी कथन धनात्मक है, ठीक है, क्या दे रखे हैं? सकारात्मक दे रखे। यदि यदि सभी कथन, यदि सभी कथन सकारात्मक, यदि सभी कथन सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव है ना, यदि सभी कथन सकारात्मक पॉजिटिव दिए गए हों तथा तथा यदि सभी कथन सकारात्मक पॉजिटिव दिए गए हों तथा निष्कर्ष, निष्कर्ष इसको बोलते हैं स्टेटमेंट, आपको पता ही है भाई है ना, स्टेटमेंट। यदि ऑल स्टेटमेंट जो है आपके पॉजिटिव दे रखे हैं तथा सभी निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन तथा निष्कर्ष बिना संभावना वाले, बिना संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी, बिना संभावना पॉसिबिलिटी वाले नकारात्मक, बिना संभावना वाले नकारात्मक यानी कि नेगेटिव दिए हों, दिए गए हों तो वे सभी निष्कर्ष, तो वे सभी निष्कर्ष, तो वे सभी निष्कर्ष रॉन्ग होंगे। याद रखिए, तो वे सभी निष्कर्ष क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। नोट कर लो भैया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट। बिना पॉसिबिलिटी वाले तो हमेशा ही रॉन्ग होंगे, पॉसिबिलिटी वालों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यदि सभी कथन सकारात्मक दे रखे हैं, ठीक है, और आपके निष्कर्ष बिना संभावना वाले नकारात्मक दे रखे हो, जिनमें संभावना वर्ड ना जुड़ रहा हो, पॉसिबिलिटी वर्ड ना जुड़ रहा हो, उसके कंसेप्ट हम अलग पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी वाले जब रूल पढ़ेंगे उसके कंसेप्ट हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन आपको फिलहाल बस ये चीज ध्यान रखनी है ना। एक बच्चा बोल रहा है कि बोरिंग क्लास है, तो भाई मैं तो तेरा हाथ पकड़ के नहीं लेके आया ना, है ना, है कि नहीं भैया? जीवन में आनंद करो, जाओ ऐश करो। हो गया ब्लॉक, हो गया, बस बस बस, धन्यवाद एडिटर साहब आपका। चलिए ठीक है भाई, यदि सभी कथन सभी स्टेटमेंट सकारात्मक दिए गए हों, ये पता है, ये जो अभी लोग आया ना कि बोरिंग क्लास, ये पता है वो लोग हैं जिनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पता है क्या चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए, इनको शेरो शायरी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? इनको इधर उधर की बातें चाहिए, क्यों? क्योंकि दो चार, ये आज की तैयारी के लिए आए ही नहीं है, ये आराम से आए दो चार साल की तैयारी के लिए। ठीक है, उनको 2024 के चुनाव के बाद के नतीजे देखने के बाद उनको रिजल्ट चाहिए। ठीक है भाई, चलो अच्छा देखो इधर, अब यहाँ पे भाई दोस्तों, तो आपको मैंने एक चीज समझाई, बहुत ही बढ़िया चीज यहां पर इस प्रकार है कि यदि सभी कथन सकारात्मक हो, जी हाँ दोस्तों, आप डायरेक्टली फास्ट कैसे कर सकते हैं, 2 सेकंड के अंदर आप जवाब दे देते कि हाँ यार ये पॉजिटिव सेंटेंस था, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस था, ये सेंटेंस जो था ना, सॉरी ये सेंटेंस फिलहाल तो नेगेटिव नहीं था, ठीक है, पर नेगेटिव सेंटेंस अगर आपके पास में आ जाए तो उसको आप देखते ही आप क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन समझा देता हूं, जैसे मैंने दे दिया पहला, मैंने आपको मान लो स्टेटमेंट दे दिया दोस्तों, ठीक, स्टेटमेंट देखिएगा,
स्टेटमेंट देखना भैया, जैसे मैंने दे दिया आपको पहला ऑल ए आर बी, दूसरा दे दिया सम बी आर सी, तीसरा दे दिया सम सी आर डी, ठीक है, और मैंने आपको कंक्लूजन दे दिया, कंक्लूजन मैंने आपको दे दिए, निष्कर्ष मैंने आपको कुछ इस प्रकार से दे दी, ठीक है, निष्कर्ष मैंने आपको इस प्रकार से दे दी। पहला दे दिया सम ए आर नॉट बी, दूसरा दे दिया सम बी आर नॉट सी, तीसरा दे दिया सम सी आर नॉट डी, ये दे दिया मैंने, ठीक है, ध्यान से देख लेना अच्छे से। क्या दिया मैंने आपको, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ठीक है। दूसरा दे दिया मैंने आपको कुछ बी सी हैं, ये दे दिया मैंने आपको कुछ सी डी हैं, ठीक। अब यहां पे देख लो, यहां क्या बनेगा, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है भाई। यहां मैंने आपको दे दिया कुछ बी सी नहीं है, और यहां दे दिया कुछ सी डी नहीं है, ठीक है, कुछ सी डी नहीं है। अब वास्तव में देखा जाए तो मुझे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी, मैंने यहां पर देखा कि हाँ यार ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस, अरे सारे ही पॉजिटिव सेंटेंस है, और यहां देखा तो ये सारे ही नेगेटिव सेंटेंस है। तो अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस दे रखे हैं और भैया उससे संबंधित अगर आपको नेगेटिव कंक्लूजन दे दिए तो आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है भैया, चेक ही नहीं करना, आपको समय बर्बाद ही नहीं करना, सीधा आप लोग क्या करेंगे कि हाँ यार ये ऑल रॉन्ग, क्यों, क्योंकि सब में नकारात्मक चीज आ रही है, नॉट आ रहा है, और ये सारे बिना पॉसिबिलिटी वाले, इनमें कहीं पर भी पॉसिबिलिटी भी नहीं आ रही। पॉसिबिलिटी वालों को तो भैया उनके रूल अलग चलेंगे, उनके लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है, पर फिलहाल आप लोग इतना सा याद कर सकते हैं कि बिना पॉसिबिलिटी वाले नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होंगे। बात समझ में आ गई क्या, कर लोगे क्या भाई, सभी लोग दिल से लाइक कर दें कि यस सर कर लेंगे, कर लेंगे। आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हो, देखो ऑल ए आर बी, समझाता हूं मैं आपको, ऑल ए आर बी, दूसरा दे रखा है सम बी आर सी, और अगला दे रखा है सम सी आर डी। पहली बात तो ये देखो, पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड डायग्राम है, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो आपको हमेशा जनरल डायग्राम बनाना है, और जनरल डायग्राम बनाने के बाद बाकी सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। क्या रखनी है कि सकारात्मक वाक्यों से संबंधित जो भी डायग्राम बनते हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। सकारात्मक वाक्यों से संबंधित जो डायग्राम बनते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो भी डायग्राम बना है अपना, ये सब एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। ये सी बी को काट सकता है, सी को भी काट सकता है, डी बी को काट सकता है, ए को काट सकता है, ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं भाई साहब। पॉजिटिव सेंटेंस का सबसे खास बात होती है कि पॉजिटिव सेंटेंस से बनने वाले डायग्राम सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। अब वो कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, यार मुझे तो सारे के सारे ए जो है ना वो बी में दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे कि सारे के सारे ए क्या है, बी है, कथन में दिया है कि सारे ए बी है। जब सारे ए बी है तो ये जो बात बोल रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, ये पॉसिबल है क्या? एक गिलास का पूरा दूध मैंने गिलास बी में डाल दिया, और अब मैं कह रहा हूं कि एक गिलास का कुछ दूध ऐसा है जो बी में नहीं है, तो वो तो गलत है ना, कुछ ए बी नहीं है, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। फिर अगला बोल रहा है सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है। इस डायग्राम में आपको लग रहा होगा कि बी सी नहीं है, पर अभी अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड डायग्राम जो होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, तो ऐसा भी बन सकता है। देख लो, ऑल ए आर बी, जी हाँ, सम बी आर सी, जी हाँ, सम सी आर डी, जी हाँ, सारे एक दूसरे में काट रहे हैं, तो सारे ए बी के अंदर भी हैं, कुछ बी सी भी हैं, कुछ सी डी भी हैं, तो डायग्राम ये भी बन सकता है, डायग्राम ये भी बन सकता है। अब वो कह रहा है कि कुछ बी सी नहीं है, यहां तो इस वाले डायग्राम में मुझे सारे ही बी क्या दिख गए, सी के अंदर, तो इसके अंदर क्या हो गया, गलत, इसके अंदर क्या था, सही। हम रूल जानते हैं, बिना पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस में अगर एक में भी गलत हो गया ना, 100 में से 99 डायग्राम में मान लो सही हो रहा है, परंतु एक डायग्राम ऐसा आ गया जिसमें वो चीज गलत हो गई, तो भी वो चीज क्या हो जाती, गलत हो जाती है।
सम बी आर नॉट सी, ये बात इसके अंदर गलत है, परंतु इसके अंदर क्या है सही, परंतु एक में भी गलत तो उस निष्कर्ष को भी क्या ठहराया जाता है गलत। सम सी आर नॉट डी, जी हां कुछ सी डी नहीं है, इसमें तो सही है, परंतु इसमें तो सारे ही सी क्या है डी के अंदर है, इसमें गलत हो गया, तो एक में गलत तो फिर से गलत। और सबसे बेस्ट रूल तो ये था कि इसको देखना था कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ सारे के सारे नेगेटिव हैं, जैसे ही नेगेटिव दिखे तुरंत हमने क्या कर दिया रॉन्ग कर दिया, ऑल रॉन्ग हमारा आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया ऑल रॉन्ग। तो पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड अगर आपको नेगेटिव कंक्लूजन दिखे बिना पॉसिबिलिटी वाले तो वो हमेशा रॉन्ग होते हैं, ठीक है। कुछ ए डी नहीं है तो कैसे होता, अगर ऐसे आता कि कुछ ए डी नहीं है तो भी रॉन्ग होता, तो भी रॉन्ग होता ना, अगर ये आता कि कुछ ए डी नहीं है तो भी रॉन्ग होता, बताओ कैसे, क्योंकि इस डायग्राम में मुझे क्या दिख रहा है सारे ए किसके अंदर दिख रहे हैं डी के अंदर, परंतु यहां कोई भी ए डी नहीं है तो हम बोलते कि हाँ कुछ ए डी नहीं है, इसमें सही इसमें गलत, एक में भी गलत तो गलत, तब भी भाई क्या नाम है इनका, तो भी वो चीज क्या हो जाती है रॉन्ग हो जाती है। अंकित ठीक है भाई, अंकित क्लियर, बात समझ में आ गई सभी को, सभी बच्चे देख लें एक बार तुरंत प्रभाव से, आज की जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें थी याद रखिएगा, जिंदगी में परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। अगर आप लोगों ने लड़ने की ठान ली है, एग्जाम को फोड़ने की ठान ली है ना, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है, ये विश्वास रख लो। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे ना हारना तब तक कोई नहीं हरा पाएगा। आप खुद ही अगर ये सोचोगे कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा तो फिर तो कोई जीता ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर आप ये ठान लोगे कि और किसी का सिलेक्शन हो या ना हो मेरा तो होगा, तो भाई साहब आपका होके रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, सभी लोग फटाफट से थम्सअप कर देंगे तुरंत प्रभाव से, मजा आया। तो ओनली का कंसेप्ट आज हमने सीखा, सम का कंसेप्ट सीखा, ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट सीखा, हमने ये सीखा कि एटलीस्ट और डेफिनेटली वर्ड को किस प्रकार से हटा के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने ये सीखा कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस साथ दे रखे हैं सारे के सारे और उससे रिलेटेड नेगेटिव कंक्लूजन अगर हमें दे दिए तो बिना पॉसिबिलिटी वाले बिना संभावना वाले नेगेटिव कंक्लूजन डायरेक्टली रॉन्ग कर देंगे हम, ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सुन लेना, क्योंकि कल हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर पे आप लोग क्वेश्चंस को करके आइएगा, ठीक है, अच्छे से सीख कर आइएगा एक बार, ठीक है, प्रैक्टिस करके आइएगा, ताकि फिर हम लोग जब यहाँ पे क्वेश्चंस करें तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। क्योंकि इसके बाद की चीज़ें में दो ही चीज़ें आपकी बचती हैं, एक तो बचता है आपका आइदर ओर का केस, वो भी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि पुराना वाला हटा दिया गया है एक रूल, इसके अलावा नाइदर नोर के केस और पॉसिबिलिटी के केसेस, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है भाई, थैंक यू सो मच। और दोस्तों ये बैच अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ए टू जेड कंप्लीट रीजनिंग फाउंडेशन बैच। अगर आप सारे टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से रिवाइज करते हुए अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए दोस्तों आप पढ़ना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को अगर आप गेन करना चाहते हैं तो आप इस पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है भले से 999 रुपये, लेकिन किस्मत का ऐसा वो चल रहा है ना, मतलब देखिए पहले आया न्यू ईयर पे चलता गया, फिर आ गई मकर संक्रांति, फिर आज दोस्तों आप लोगों की जो है जानकर हो सकता है आपको खुशी हो, ठीक है, तो आज अपनी सालगिरह भी है भाई, है ना, आज के दिन वैवाहिक जीवन जो है मेरा शुरू हुआ था भाई, तो आज सालगिरह भी है, तो उस पर भी मैंने कहा चलो यार चलते देते, ठीक है। फिर अभी कुछ बच्चों ने बोला कि यार सर 26 जनवरी भी आ रही है फिर आपको देना पड़ेगा, तो तुम चाहते क्या हो भाई, मतलब चलता ही रहे क्या ये ऑफर, हैं चलता रहे तो चल ही रहा है, वैसे तो फिलहाल अभी तक चल ही रहा है, अभी तक तो हमने हटाया नहीं है, पर जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना, D30% का डिस्काउंट जो है दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा, 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाएगी, 9602514332 ये अपना टेलीकॉलिंग नंबर है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप सीधा इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स प्लस रीजनिंग का कॉम्बो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 1330 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि बहुत जल्दी आपके लिए साइंस की फैकल्टी लॉन्च होने वाली है, जीके जीएस भी आप लोगों के लिए चालू होने वाली है,
तो ये बैच उठकर दोस्तों 3,2500 तक चला जाएगा। इसलिए अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो तो अभी ज्वाइन कर लेना, बाद में साइंस और जीके जीएस की क्लास भी अपन इंक्लूड करवा लेंगे, ठीक है, क्लियर है। थैंक यू सो मच। D30 कोड का प्रयोग करेंगे, 30% का डिस्काउंट गाइज आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपकी इतनी प्यारी प्यारी विशेस के लिए। ठीक है भाई, तो ये लो SSC GD 2022, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में और बढ़िया से। मैं तो चाहता हूँ कि ईश्वर करे सभी का सिलेक्शन हो जाए, जो भी GD वाले बच्चे अपने से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जिनको टेस्ट लगाने हैं, देखो टेस्ट ही है, जितना पढ़ाया था पढ़ लिया, अब टेस्ट लगाओ आप जाके, और क्या चाहिए यार जीवन में। ठीक है, क्लियर है, कर लो सिलेक्शन। 400 टेस्ट यार बनाने में पसीने निकल जाते हैं लोगों के, हैं 400 टेस्ट बनाने में ही मैं कह रहा हूँ 6 महीने लग जाते हैं भाई। तो हम तो आपको फुल मॉक दे रहे हैं, और इसके अलावा CHSL के मॉक टेस्ट तैयार हैं, CGL के तैयार हैं, ALP RPF के लिए भी तैयार कर रहे हैं। 2000 से ज़्यादा टेस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। दुनिया में चल रहे होंगे पास, उसका पास, इसका पास। मैं कह रहा हूँ बिना पास के आप, तो मैं कह रहा हूँ इन टेस्टों को लगा लिया ना जिसने, मैं कह रहा हूँ वास्तव में बोल रहा हूँ, है ही नहीं है ऐसा कोई पेपर, ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं है जो क्वेश्चन बना दे और इनको लगाने के बाद में कुछ बच जाए भाई साहब। ठीक है, चाहे मैथ्स हो, GK GS हो, रीजनिंग हो, अगर इंग्लिश हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, इन 2000 टेस्टों में आपको सारे स्ट्रीम के सारे टेस्ट, वो भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो भी सारे सब्जेक्ट के, मैथ, रीजनिंग, GK GS सभी के मिल रहे हैं। ठीक है, कंबाइंड आप इंडिविजुअल लगाना चाहते हैं, सेक्शनल लगाना चाहते हैं, चैप्टर वाइज लगाना चाहते हैं, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है reasoninglife.com वेबसाइट पे। ठीक है, ड्यूरेशन है इसका 1 ईयर, 1 साल का ड्यूरेशन है सभी एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा ये अंतिम मौका बढ़ते 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 आज भी दोस्तों जो है अपनी एनिवर्सिटी तक आगे बढ़ चुका है, तो जिस भी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लेना। ठीक है, D30 कोड का प्रयोग करके, और साथ ही साथ अपना CGL मेंस का धमाकेदार बैच, बहुत मज़ा आता है यार इस क्लास में, बहुत मज़ा आता है, मतलब वास्तव में किस लेवल के मतलब क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्योंकि पहली बार बच्चे मेंस देने जाएंगे तो कोई कमर कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, ALP का जो बैच है, न्यू बैच अपना चालू हो गया है। ठीक है, ALP अगर RPF के लिए अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, ALP का बैच अगर आप ले रहे हैं, RPF का अगर आप बैच ले रहे हैं, तो नया बैच अपना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और अब दोस्तों उसके अंदर जो है हम लोग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं मैं आप लोगों को। इधर आपकी जो चल रही है वर्बल रीजनिंग चल रही है, उधर आपकी नॉन वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। जल्दी से चीजें समाप्त करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे दोनों तरफ, मजा आ जाएगा, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, पता है सिलेक्शन किन बच्चों का नहीं होता सर? सिलेक्शन उन बच्चों का नहीं होता जो वही सोचते हैं कि यार यूट्यूब पे भी बढ़िया पढ़ा रहे ना यार, तो यूट्यूब पे ही यार कर, 6 महीने निकल जाएंगे, पेपर आ जाएगा, प्रैक्टिस तो होगी नहीं, डाउट क्लियर होंगे नहीं, खत्म पिक्चर। और वो बच्चे फिर पता है कितने नंबर से रहते हैं, 0.10, 1 नंबर, 2 नंबर, फिर वो सोचते हैं अरे यार 700 रुपये को देख लिया यार हमने जीवन में, है ना, हमने क्या जीवन में उन 700 रुपये को देख लिया, काश वो दे देते तो हर महीने की जो 35,000, 40,000, 65,000 की जो सैलरी आती है 60 साल तक, उसको नहीं देख पाते, देखते हैं इसको कि हाँ यार 700 पढ़ा तो रहे बढ़िया यार, अरे यार बढ़िया तो पढ़ा रहे हैं यार, 700 रुपये क्यों खर्च करें बिना मतलब, है ना, काहे को खरीदें बिना मतलब, सही है नहीं? फिर बाद में एहसास होता है कि यार कर लेना चाहिए था, कम से कम 3 बार रिविजन हो जाता, प्रैक्टिस हो जाती, डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इसलिए बढ़िया मौका है, 12 महीने की वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है, PDF मिल रही है, प्रैक्टिस PDF मिल रही है, आपको डाउट सेशंस मिल रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में बैच मिल रहा है। ठीक है, एक बैच तो पूरा ही रिकॉर्ड फॉर्म में डाल दिया है सर मैंने इनके लिए, प्रीवियस वाला, और लाइव क्लास तो ले ही रहे हैं, जिसके अंदर हम डाउट क्लियर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसके अलावा नए नए क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों लेकर आते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से, फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, क्लासेस को आप लोग लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी अटेंड कर सकते हैं, टेस्ट को आप लैपटॉप कंप्यूटर और ऐप सब पे लगा सकते हो भाई। तो जाइए D30 कोड का प्रयोग करिए D30 और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लीजिए, 30% डिस्काउंट के साथ आपको ये बैच मिल रहा है। ठीक है, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पर जल्दी से जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे रीजनिंग लाइव,
बाय दीपक सर, रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर, जो अपने चैनल का नाम है वही अपनी ऐप का नाम है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो ऊपर ही ऊपर दिखेगा पेड कोर्स, इसे आप ज्वाइन कर लेंगे। बुक्स बाय करने के लिए ये रहा बुक्स, ई बुक्स और पीडीएफ्स यहाँ से, टेस्ट सीरीज यहाँ से, ठीक है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास। ये अपना टेलीकॉलिंग नंबर है, किसी को समझ में ना आए तो ज्वाइन कर लेना 9602514332। जी हाँ, 9602514332। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल, जिसका लिंक है t.me/reasoninglivebydeepaksarchannel टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।